रहा हूँ कांत आई है झज्जर से। झज्जर में किस गांव में आप रहते हैं? प्रॉपर झज्जर शहर से रहते हैं। मैं इनके साथ घूम के आता हूँ, दो बातें करके आता हूँ, क्योंकि जब मैं इनके साथ घूमूंगा तो मुझे इनकी समस्या पता चलेगी। क्या क्या होता है आपको? पैरों में दर्द, सर में दर्द, कलेजे में दर्द, या कलेजे में नहीं होता? मुझे ये नहीं पता थी, ये रोजाना रहता है। और अभी भी जब तू आई थी तो तेरे को दर्द था, अभी जब तू आई थी तो दर्द था। आप पैरों से बैठ के उठा नहीं जाता तुझसे? कौन कहता है तुझसे नहीं उठा जाता? क्या तूने डॉक्टर से पूछी है ये बात? ना जी, डॉक्टर की दवाई। तो क्या डॉक्टर से इलाज कराया है? डॉक्टर की दवाई कम नहीं करती जी। काम नहीं करती? तो डॉक्टर से इलाज तो तूने कराया नहीं, पैसे तो तूने कुछ डॉक्टर को दिए नहीं। डॉक्टर की दवाई तो काम जब करती है, जब डॉक्टर को 2-4 लाख रुपए दे देते हैं। कितना दे लिया? 25 साल तक बहुत तगड़ी बीमार रहूं। अच्छा, क्या बीमारी रहती है तुझे? बस ये कभी सरमा कदम, टाइफाइड हो गया। अच्छा भाई, तू बैठ तो सही। दर्द हुआ? इब तो कितनी झूठी औरत है, माँ कसम खा ली इसने। तो इस पहले मैंने इससे माँ कसम खिलाई, माँ कसम खा तू, तेरे को दर्द रहते है। बोले हाँ, और अभी मैंने बताया तो कह रही है ना। भाई मैं कैसे मान लू, इतना झूठा तो मैंने कभी कोई जिंदगी में देखा ही नहीं। अच्छा खड़ी हो अब। ये कह रही थी मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, और देख लेना इसके खड़े होने में क्या दिक्कत आ रही है। अब खड़ी हुई है, दर्द कहाँ हुआ? रे से यार है में तो अंतर है नहीं, अब तो कितना फर्क आया? हाँ मैं तेरे से गुप्त वार्ता करता हूँ, आधा फर्क से। अच्छा तू ये बता, तूने शनिदेव को कभी देखा है? कौन से मंदिर पे जाती है? आज तक पहली बार? तीसरी बार। तीसरी बार आई है। भैया ने जब तुझे अंदर देखा, चेक किया, क्या बताया? अच्छा मेरी आंखों में देख गौर से, बोल जय शनिदेव। ठीक होने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? डॉक्टर के यहाँ जाओगे, ठीक होने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, टेस्ट कराने पड़ते हैं। मनु भैया के यहाँ क्या लेना पड़ता है? नाम। नाम क्या नाम लेना पड़ता है? मनु भैया का, शनि महाराज का नाम लेना। मनु भैया का क्यों नाम लेना पड़ता है? शनिदेव महाराज का नाम लेना पड़ता है। बोल जय शनिदेव। जय शनिदेव। तेरे पोती है भाई, इसकी पोती के लिए ऐसे 3 गुब्बारे दे देना। ठीक है, तू बैठ के उठ नहीं पाती है, हैं? पोती भी से, पोता, पोती भी से, पोता भी से, और पैर में दर्द भी से, अभी कलेजे में दर्द से, अभी सर में दर्द से, अभी ईब तक हो ना। देख जब दर्द नहीं है तो उठेगी तू बैठ के, ऐसे बिना घुटनों के भी तू उठ जाएगी अगर तू उठने की कोशिश करेगी। तूने ये मान लिया है कि तेरे को सारी उम्र से दर्द था, है और रहेगा, लेकिन अभी तो कोई दर्द नहीं है। आराम से, आराम से। आराम हो गया? देखो कितनी झूठी झूठी बुढ़िया है। आई इसने मेरे को ये कहा, भाई तेरी मम्मी है ना झूठी है, मेरी मम्मी तो झूठी नहीं है, है ना? आराम हो जाएगा तो झूठी क्यों है? अगर आराम लग गया तो ठीक है, बताऊंगी मैं तो भाई। मनु भैया बहुत तकलीफ समझ, देखा फिर बोल रही है, कह रही है मनु भैया बहुत तकलीफ से मेरे को। अच्छा तू खड़ी हो? खड़ी हो तू, बिना घुटने पे हाथ रख के खड़ी हो? हाथ से खड़ी हो जाएगी, जब दर्द ही नहीं है तो खड़े होने में क्या दिक्कत है? अच्छा एक हाथ टेक ले हल्का सा। अरे बिना घुटनों पे जबरदस्ती हाथ टेकती है घुटनों पे, ये बताने के लिए कि मेरी उम्र हो गई है। ये बच्चे तुझे अग्नि में जलाए आएंगे, ये मत बता अभी। अभी बिना घुटनों पे हाथ लगाए उठ के दिखा फिर से बैठ के, जब दर्द ही नहीं है तो घुटनों पे हाथ क्यों लगा रही है? पहले से खैर आराम से, अब उठिए बिना घुटनों पे हाथ लगाए। चल नीचे एक हाथ टेक के उठ जा। अरे अरे क्या बात, तूने ये मान लिया है कि मुझसे उठा नहीं जाता है। तो मैं बताऊं आपको एक बात, आप अपने जीवन में शनिदेव को शामिल कर लोगे तो फिर शनिदेव को तो शामिल कर लोगे तो आपके दर्द भी नहीं रहेंगे फिर। तो शनिदेव महाराज और क्या करें? और सुख शांति दो, घर में सुख है।
सब कहे मैं सुख शांति दो, दर्द का मर्दन करो, दर्द को पकड़ के बाहर फेंक दो और हमारी बीमारियों को ठीक कर दो, हमें डॉक्टर के यहाँ ना जाना पड़े। डॉक्टर मनु भैया के यहाँ आते हुए डरते हो, डॉक्टर के यहाँ जाते हुए डरते नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो पैसे ले लेगा ज्यादा, मनु भैया लेंगे नाके बराबर और तो आपको ठीक कर देंगे। बिना घुटनों पे हाथ लगाए बैठ गई है, अब बिना घुटनों पे हाथ लगाए उठ भी जा, देख तेरे को दर्द तो है ही नहीं कहीं माता, और अभी भी तू झूठ बोलेगी तो बात अलग है। जय सचिदेव। अब बोलो सच्चे सबसे अच्छे, बोलो शनिदेव। एक बार शनिदेव की आंखों में देख के मांग ले कि शनिदेव महाराज मुझे ऐसे ही दर्द विहीन कर दे सदा के लिए, तेरी सदा ही जय हो। लेकिन अभी आना पड़ेगा इसको तीन बार, ठीक है लेके आओगे दोनों भाई, मेहनत कर दोगे इतनी। ये कितने साल से आप बीमार हैं और कितने साल से आपको दर्द होता है? ये करीबन 20-25 साल से है। 20-25 साल से आपने चेक कराया, भैया ने क्या बताया आपके घर की समस्या? आज भाई स्टार्टिंग में तो हम दोनों ही आए थे, उस टाइम तो मम्मी नहीं आई थी। अगर आपसे पूछा ना तो इस भाई ने बताया था कि एक तो जैसे प्रेत तो कटते हैं और इनकी पितरों की समस्या पुरानी, तो ये बताया था कि आपको आना पड़ेगा, आपने दीपदान भी करना पड़ेगा। मैंने ये भी बताया होगा और ये भी बताया होगा कि आपकी मम्मी को भी आना पड़ेगा। आप बिना घुटनों पे हाथ लगाए बैठी हैं। इक्कीस दीप हर रोज जला रहे हैं और 21 दीप जला के क्या बोल रहे हैं कि मनु भैया को साक्षी मान के शनिदेव महाराज हम आपको दीप दान करते हैं, हमारे पितरों को बंधनहीन करो, उनको मुक्ति दो और शांति प्रदान करो। जय शनिदेव। माता जी बिना घुटनों पे हाथ लगा के उठ के दिखाएंगी तो पता चलेगा शनिदेव महाराज ने उन पे कुछ कृपा की है। तो कांता देवी उठ के दिखाए, आपने माँ कसम खा रखी है वैसे भी, लेकिन माँ कसम किस लिए खाई थी? अगर पंजाब में कोई इतना काम करता है तो पता है क्या होता है, उस आदमी की जाति और धर्म तक बदल दिए जाते हैं जिस आदमी पे इतनी कृपा होती है, और लोग तालियां बजाते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं। लेकिन ये मनु भैया का दरबार है, मनु भैया चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, सच्चाई बताते हैं। माता जी को बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, डॉक्टरों से जितनी दवाई लेंगी उनको लगेगा मैं लुट गई, मैं ठगी गई, क्योंकि उनको डॉक्टरों की समस्या ही नहीं है। तो समस्या किसकी है, समस्या आखिरकार किसकी है? समस्या है निगेटिविटी की, समस्या है नकारात्मक ऊर्जा की, और समस्या है ऐसी जो कष्टदायक माता जी को समस्या है। बोलो जय शनिदेव। लेकिन माता जी अपनी जिभ्या को बंद रखती है, अगर ये जय शनिदेव सेकंड के साथ बोले दो चार दिन तो इनका दर्द फिर नहीं आएगा, और अगर इसने जय शनिदेव बोलना बंद कर दिया तो दर्द फिर से आ जाएगा। हैं? अगर माता जी तूने जय शनिदेव बंद कर दिया तो दर्द फिर से आ जाएगा, अब तेरी मर्जी है। बोल जय शनिदेव बोलेगी दिन में 1-2 हजार बार की नहीं बोलूंगी, पक्का पक्का बोलेगी भाई। अब माता जी के लिए एक वो बनता है, क्या बोलते हैं, चीयर्स बनता है, और चीयर्स कैसे होता है, ताली बजा के। जय शनिदेव। बोलो सच्चे, इसलिए कहता हूँ सबसे अच्छे और शनिदेव और साबिर, जिसका सिक्का ऊंचा होगा उछलेगा और जिसके फेवर में गिरेगा, और जब फेवर में गिरेगा तो उस व्यक्ति का मान बढ़ेगा, मुझे मान नहीं चाहिए संसार से, अपमान भी नहीं चाहिए, मैं दोनों में सम रहना चाहता हूँ। लेकिन जिसकी वृद्धि होती है उसका लोग मान भी करते हैं और अपमान भी करते हैं। आप सब लोगों के लिए अपमान भी सहूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी वृद्धि भगवान करना चाहेंगे उसको रोक तो कोई सकता नहीं संसार में। जितना नाम मनु भैया को शनिदेव महाराज देना चाहेंगे उसके बीच में कोई आ ही नहीं सकता, और जो वो करना चाहेंगे वो करा के ही दम लेंगे। जय शनिदेव। जब तक शरीर है तब तक काम करूंगा, जब तक आवाज है तब तक काम करूंगा, आप लोगों के लिए सदैव दुआ करता रहूंगा। जय शनिदेव। अब आपको पता चल गया आप बिना हाथ लगाए भी घुटनों पे उठ सकती हो। दर्द ज्यादा था तो अब घुटनों पे हाथ लगाना ही लगाना पड़ता था, लेकिन दर्द चूंकि अपना नहीं है इसलिए दर्द चला गया, इसलिए दर्द गायब हो गया, भाग गया, और मनु भैया ने कहीं उसको छिपा दिया। और मैं माता जी को कहूंगा जय शनिदेव कहते हुए 8 परिक्रमा आप उसकी कर लो। किसकी? हवन कुंड की। जाओ, कल्याण होगा। जय शनिदेव।